हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे जिस वैकेंसी का लाखों लोगों को, लाखों एस्पिरेंट्स को इंतज़ार था, वो वैकेंसी अब आ चुकी है IBPS PO मैनेजमेंट ट्रेनी की। और 4100 के आसपास ये वैकेंसी है बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर की डिफरेंट बैंक्स में। तो ये पूरा नोटिफिकेशन हम इसमें डिस्कस करेंगे, कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, क्या एज लिमिट है इसमें, क्या सैलरी है, किस तरीके से आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से घर बैठे इसमें आप तैयारी कर सकते हैं, वो भी मैं इसमें आपको बताऊंगा। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैं इस वीडियो क्लास में दे दूंगा, तो वहाँ से इस पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और ये है ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in, यहाँ पर आप पूरा डिटेल इसका आप ले सकते हैं और यहाँ से सारे कॉल लेटर्स और सारी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और मैं पूरा एक एक चीज़ इसमें आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, एनी एलिजिबल कैंडिडेट हु एस्पायर्स टू जॉइन एनी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड एट ए एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनी इन ए सिमिलर पोस्ट इन दैट कैडर इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर द कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। और ये 8th नंबर का रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा डिटेल। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से बैंक्स में वैकेंसी हैं। ठीक है, स्टेट वाइज वैकेंसी हैं। देखिए, ये है पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, अलाहाबाद बैंक है, आंध्रा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है जो कि बहुत ही बड़ा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन बैंक्स में आपको जॉब मिलेगी यदि आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं तो। ठीक है, ये है पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। और ये हैं टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इवेंट्स, कब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, कब आपका प्री एग्ज़ाम होगा, कब आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, ये सारा डिटेल्स हम देख लेते हैं यहाँ पर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स। देखिए, ये है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट, 14 अगस्त को ये एक्टिवेट हो जाएगा लिंक IBPS.in पर, और 14 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक इसमें आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें मॉडिफिकेशन और एडिटिंग भी इंक्लूडिंग है, 14 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस इंटीमेशन चार्जेस ऑनलाइन, ये है आपका 14 अगस्त से लेके 4/9 तक, इसका भी सेम ही डेट है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, ये एक प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग IBPS कराता है कुछ SC ST कैंडिडेट्स के लिए कुछ नूडल सेंटर्स पर। ठीक है, ताकि उनको प्री एग्ज़ाम का एक आइडिया हो कि किस तरीके से प्री एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, ये है सेप्टेम्बर 2018 में इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। कंडक्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो होगी वो 1 अक्टूबर को होगी, 1 अक्टूबर टू 7 अक्टूबर, 1 अक्टूबर टू 7 अक्टूबर तक होगी ये कंडक्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। अक्टूबर 2018 में आप इसके प्री एग्ज़ाम के कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी होगा आपका 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर, ये 4 डेट्स हैं, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को ये आपका प्री एग्ज़ाम होगा। देखिए, IBPS PO की और किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम की यदि आप घर बैठे बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो इंग्लिश एडवांटेज टीम की तरफ से एक बैंक प्रो के नाम से एक टारगेट बैच एक लॉन्च किया गया है जो कि सभी बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए है। और यदि आप इसको IBPS PO के लिए ज्वाइन करते हैं तो इसमें IBPS PO का प्री का, मेंस का, GDPI का और डिस्क्रिप्टिव का एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट, एकदम रिलीवेंट कंटेंट आपको दिया जाता है। और इसके थ्रू आप घर बैठे आप तैयारी शुरू कर सकते हैं अपनी मोबाइल पर, लैपटॉप पर या PC पर। तो इस बैंक प्रो टारगेट बैच का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से इसको सारा डिटेल भी आप इसका देख सकते हैं और इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। इस ये जो हमारा ई कोर्स है, इस कोर्स की 1 साल की जो फीस है वो बहुत ही कम है, ना के बराबर है, 2450 रुपये मात्र फीस है इसकी। और इसमें पूरा प्री का इंग्लिश, पूरा मेंस का इंग्लिश और GDPI डिस्क्रिप्टिव और मेंस का करंट अफेयर्स हम इसमें पढ़ाते हैं पूरी एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से। और हर महीने SSC में और बैंकिंग एग्ज़ाम्स में हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फाइनल सिलेक्शन लेते हैं। तो इसमें यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस, ये होगा आपका 18 नवंबर को यदि आप प्री में सेलेक्ट हो जाते हैं।
तो मेंस एग्जामिनेशन होगा आपका 18 नवंबर को, ठीक है। और एग्जामिनेशन प्रोसेस में कुछ चेंजेस किए हैं, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू होगा आपका जनवरी फरवरी में, और प्रोविजनल अलॉटमेंट आपका हो जाएगा अप्रैल 2019 में, अप्रैल तक आपको इसमें जॉब मिल जाएगी। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, सिंपल ग्रेजुएट इसमें चाहिए, और यहाँ आप देख सकते हैं, प्लीज़ नोट दैट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड हेयर इन आर द बेसिक क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। कैंडिडेट मस्ट नेसेसरली प्रोड्यूस द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल में प्रोड्यूस करना होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता होंगी। यहाँ से हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। एज आपकी होनी चाहिए, मिनिमम एज होनी चाहिए 20 ईयर, और मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपकी 30 ईयर्स, ठीक है। तो ए कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1988 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, 2/8/1988, और 1/8/1998 के बाद का नहीं होना चाहिए, 1/8/1998, ठीक है। तो ये एक क्राइटेरिया है, 20 से 30 साल इसमें आपकी एज होनी चाहिए। और जैसा कि सभी गवर्नमेंट जॉब्स में रिलैक्सेशन मिलता है, SC ST को इसमें मिलेगा आपका 5 साल का, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब दोनों के लिए 5 साल है इसमें, OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर जो है वो 3 ईयर का उसमें मिलेगा, और प्रोविजन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इनको 10 साल का मिलेगा। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का है, तो एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो ई कोर्स आता है वो बैंक PO के लिए आता है, और बैंक क्लर्क के लिए एक्सक्लूसिव अलग से आता है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ये आप यहाँ पर सारा डिटेल देख सकते हैं जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। इस पीरियड के बीच में उनको भी 5 साल का इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन केवल ग्रेजुएट है किसी भी ऑथोराइज इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए इसमें। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, द परसेंटेज मार्क्स शैल बी अराइव एट बाय डिवाइडिंग द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन ऑल द सब्जेक्ट्स इन ऑल सेमेस्टर बाय एग्रीगेटिंग मैक्सिमम मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑनर्स ऑप्शनल एडिशनल सब्जेक्ट। द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज सो अराइव विल बी इग्नोर्ड, 59.99% विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60% एंड 54.99 will be treated as less than 55%। तो इसमें डिग्री में इसमें आपको 60% मार्क्स इसमें चाहिए आपको। ए डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ से देख लेते हैं इसको, द कैंडिडेट मस्ट पजेस वैलिड मार्कशीट डिग्री सर्टिफिकेट दैट ही सी इज ग्रेजुएट ऑन द डे ही शी रजिस्टर एंड इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन ग्रेजुएशन वाइल रजिस्टरिंग ऑनलाइन। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको इंडिकेट करना पड़ेंगे, और यहाँ पर देखते हैं इसका, कैंडिडेट शुड इंडिकेट द परसेंटेज ऑब्टेन इन ग्रेजुएशन कैलकुलेटेड टू द नियरेस्ट 2 decimal इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन वेयर CGPA OGPA इज अवॉर्डेड द सेम शुड बी कन्वर्टेड इन टू परसेंटेज एंड इंडिकेटेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपका जो CGPA है और OGPA है उसको आपको इंडिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ से देखते हैं इसमें, इसमें एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। विजुअली इम्पेयर्ड के लिए अलग अलग गाइडलाइंस हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो होगी वो इन इन सेंटर्स पर होगी, आप यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगरतला है, आगरा है, इलाहाबाद है, अहमदाबाद है, यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग SC ST कैंडिडेट्स के लिए होगी। ये है स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्री में आपका आपके 3 सेक्शंस होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज होगा जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन, इस तरीके से पूरे 100 क्वेश्चन होंगे इसमें। और मैक्सिमम मार्क्स इनके लिए आप देख सकते हैं, इतने ही इसमें मैक्सिमम मार्क्स हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, बाकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग ये दोनों लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश और हिंदी में।
और इसमें हर सब्जेक्ट के लिए आपको 20 मिनट का टाइम इसमें आपको मिलेगा। लेकिन अभी हाल ही में ये देखने में आया है कि बैंक पीओ प्री का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम हो गया है, इसलिए कट ऑफ बढ़ गया है। और कट ऑफ इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 54 से ऊपर और 60 के आसपास, इसमें प्री में कट ऑफ आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 60 का इसमें मिनिमम आपका टारगेट होना चाहिए, ओवरऑल 60 का टारगेट होना चाहिए, और सेक्शनल टारगेट भी इसमें आपका होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल टारगेट आपका 60 के आसपास इसमें होना चाहिए आपका। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। तीनों में आपको मिनिमम कट ऑफ मार्क्स आपको स्कोर करना है और ओवरऑल कट ऑफ भी आपको क्लियर करना होगा। ये है आपका मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन में देखिए इसमें 5 आपके सेक्शंस होते हैं। एक होगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 45 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60, काफ़ी अच्छा वेटेज है इसका। इंग्लिश और हिंदी में इसका पेपर आएगा और इसके लिए टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट्स। जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस, इसके 40 क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम मार्क्स हैं 40, इंग्लिश और हिंदी में इसका पेपर होगा और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 35 मिनट्स। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज आप देख सकते हैं 35 क्वेश्चन होंगे इसमें, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 40, और मीडियम ऑफ एग्ज़ाम इंग्लिश इसमें भी 40 मिनट्स मिलेंगे, और DI एंड इंटरप्रिटेशन इसके 35 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स होंगे इसके 60। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 155 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 200 होंगे, और इसमें टाइम आपको मिलेगा 3 घंटे का। ठीक है, अब इसके बाद देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें रह जाते हैं प्री और मेंस में निकालने के बाद, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, और इसमें आपको एक लेटर लिखना है और एक ऐसे लिखना है, कंप्यूटर पर ही इसको आपको लिखना पड़ेगा। 2 आएंगे इसमें, एक ऐसे और एक लेटर, इसमें ऑप्शन आपको मिलेगा, 2-3 ऐसे ऑप्शन ऐसे मिलेंगे ऑप्शन में, और 2-3 लेटर का आपको ऑप्शन मिलेगा, कोई भी एक फॉर्मल या इनफॉर्मल आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आएंगे और इसमें 25 मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके, 30 मिनट में ये दोनों क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं, एक ऐसे और एक लेटर। ठीक है, तो इसमें भी आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% हैं इसमें डिस्क्रिप्टिव में, और SC ST के लिए 35% हैं इसमें। तो ये है आपका पूरा प्री और मेंस। इसके बाद मेंस में प्री के मार्क्स मेंस में नहीं जुड़ेंगे, प्री केवल क्वालिफाइंग है, और मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जो हैं, 100 नंबर का इसमें इंटरव्यू होगा, और उसके मार्क्स के आधार पर, मेंस और इंटरव्यू के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट इसमें आपको बनेगी। पेनल्टी रहेगी रॉन्ग आंसर्स के लिए, प्री और मेंस दोनों में 0.25 की पेनल्टी इसमें रहेगी। एग्जामिनेशन सेंटर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा डाउनलोड उसके कॉल लेटर के थ्रू। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन वेन्यूज अक्रॉस मैनी सेंटर्स इन इंडिया। द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स फॉर द ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम एंड दोज फॉर द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन इज अवेलेबल इन एनेक्सा सेकंड। यहाँ पर इनकी आप लिस्ट दे सकते हैं सेंटर्स की। कट ऑफ स्कोर, द करेक्टेड स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाई ईच ऑफ द कैंडिडेट्स इन डिफरेंट सेशंस इफ हेल्ड विल बी नॉर्मलाइज्ड यूजिंग इक्वी परसेंटाइल मेथड। आपके जो मार्क्स होंगे उनको नॉर्मलाइज किया जाएगा। ठीक है, और ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन के बाद आपका इंटरव्यू होगा, 100 मार्क्स का इसमें इंटरव्यू होगा आपका, और हम अपने टारगेट बैच में, हमने अपने ई कोर्स में आपके, यदि मेंस में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो GDPI और इंटरव्यू के लिए पूरी तरीके से आपको गाइड करते हैं और आपको फाइनल सिलेक्शन तक आपको ले जाने में मदद करते हैं। तो आप यहाँ पर पूरा इसका डिटेल देख सकते हैं। इंटरव्यू विल बी डिबार हिज कैंडिडेट फ्रॉम फर्दर पार्टिसिपेशन इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे इंटरव्यू के टाइम पर, नहीं तो आपको उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। नो डॉक्यूमेंट शैल बी डायरेक्टली सेंड टू IBPS नोडल बैंक्स बाई कैंडिडेट बिफोर और आफ्टर द इंटरव्यू। इंटरव्यू में फिजिकली आपको ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे और डायरेक्टली आप इसको सेंड नहीं कर सकते। प्रोविजनल अलॉटमेंट आपका अप्रैल में आपको इसमें मिल जाएगा। ऑन कंप्लीशन ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसीज टू बी फिल्ड इन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20
बेस्ड ऑन द बिजनेस नीड्स ऑफ द पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग बैंक्स की क्या बिजनेस नीड्स हैं उसके आधार पर आपको इसमें अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। एंड एज रिपोर्टेड टू IBPS, कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड विल बी प्रोविजनली अलॉटेड टू वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन मेरिट कम प्रेफरेंस। ठीक है, तो इसमें अप्रैल तक आपको, इसमें मार्च अप्रैल तक इसमें आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा। तो इसमें सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और इस पूरे नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो क्लास में दे दूंगा। यहाँ पर पूरा डिटेल एक एक चीज़ आप इसमें पढ़ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई भी इसमें दिया गया है, क्या क्या चीज़ें इसमें लगानी हैं। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली फ्रॉम 14 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसमें सारे क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट लगेंगे वो सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं आराम से। ये देखिए, ये पूरा दिया हुआ है। फीस कितनी है इसमें, ₹100 फॉर SC ST फिजिकली हैंडीकेप्ड एंड ₹600 फॉर ऑल अदर्स। ये इसमें ऑनलाइन पेमेंट की फीस है, आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट क्या है ये आप देख सकते हैं, किस तरीके से पेमेंट करना है। तो ये मैंने पूरा डिटेल इसमें बताया है। इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लें और इसमें 4100 के आसपास वैकेंसी हैं और इसमें मैं आपको बता दूं कि करीब करीब 20 लाख एस्पिरेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इस एग्ज़ाम को देंगे 20 लाख। आप सोच सकते हैं कि लेवल ऑफ कंपटीशन जो होगा वो क्या होगा, बहुत ही टफ इसमें कंपटीशन होता है। और यदि आप अच्छी स्ट्रेटजी के साथ, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ इसकी तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन स्ट्रेटजी आपकी सही नहीं है, रेंडमली आप तैयारी कर रहे हैं और इररिलेवेंट मटेरियल आप पढ़ रहे हैं तो उससे आपकी सफलता की संभावना बहुत कम रहती है। तो इसलिए कोई भी स्टूडेंट, कोई भी एस्पिरेंट, यदि आप इस वीडियो क्लास को देख रहे हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड तरीके से आप घर बैठे आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा बैंक पीओ का बैंक प्रो के नाम से एक ई कोर्स है, एक साल उसकी वैलिडिटी है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत ही कम उसकी फीस है और इसके थ्रू आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। इसमें हम आपको प्री का पूरा इंग्लिश और मेंस का इंग्लिश और करंट अफेयर्स, GDPI, डिस्क्रिप्टिव, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ाते हैं पूरी स्ट्रेटजी के साथ। और घर बैठे आप मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, PC के थ्रू इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं इस नोटिफिकेशन को आपको शेयर करना चाहता था। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो मुझसे आप 9893711933 पर आप बात कर सकते हैं और कोई भी डाउट हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9893711933 इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।